झारखंड में राज्य की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को तगड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चपई सोरेन और पूर्व विधायक लॉबिन हेब्रम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चपई सोरेन अगले दो दिनों में दिल्ली में बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद दिल्ली में ही बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। राज्य में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही चपई सोरेन नाराज चल रहे हैं। चपई सोरेन को उस समय राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था जब जमीन घोटाले मामले में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था। करीब 5 महीने जेल में रहने के बाद 28 जून को हेमंत सोरेन रिहा हुए। इसके बाद उन्होंने चपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाते हुए राज्य के कमान अपने हाथों में ले ली। इसके बाद से चपई सोरेन नाराज बताए जा रहे हैं। चपई सोरेन 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और राज्य के 7वें सीएम के रूप में काम किया। चपई सोरेन की गिनती झामुमो के सीनियर नेताओं में होती है। 7 बार के विधायक हैं। 2005 से वो लगातार सरायकेला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 1991 में पहली बार सरायकेला सीट से ही विधायक बने थे। हेमंत सोरेन ने 2019 में चपई सोरेन को कैबिनेट मंत्री भी बनाया था। उन्हें परिवहन, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण का जिम्मा दिया गया था। झारखंड में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव ऐलान से पहले ही राजनीतिक दल सियासी मोड में आ गए हैं। राज्य में विधानसभा की कुल 82 सीटें हैं, इनमें से एक मनोनीत है, यानी 81 सीटों पर वोट पड़ते हैं। मौजूदा विधानसभा में 27 विधायकों के साथ झामुमो सबसे बड़ी पार्टी है, जो कि विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। राज्य में झामुमो कांग्रेस, भाकपा माले और राजद के साथ गठबंधन में सत्ता पर काबिज है। कांग्रेस के पास 18, भाकपा माले और आरजेडी के पास एक एक विधायक है। वहीं केंद्र की सत्ताधारी दल बीजेपी झारखंड में विपक्ष की भूमिका में है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 24 सीटें मिली थी। अन्य विपक्षी दलों में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को 3, रकापा को 1 और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं, जबकि 4 सीटें किसी वजह से खाली हैं। चपई सोरेन के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद असम के मुख्यमंत्री ने उनकी तारीफ की थी। हेमंत बिस्वा सरमा ने पिछले महीने कहा था कि चपई सोरेन मुख्यमंत्री थे तो किसी मामले की जानकारी मिलने के बाद तो तुरंत काम करते थे और उन्हें सोशल मीडिया पर एक्स पर फॉलो भी करते थे, लेकिन अब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। वो एक तरह से चपई सोरेन का पॉलिटिकल मर्डर किया गया है। वो अच्छा काम कर रहे थे, फिर भी उन्हें पद से हटा दिया गया।